हमारे यूट्यूब चैनल जय हो आईटीआई कैंपस पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए लेटेस्ट रिक्वायरमेंट लेकर आ चुके हैं। यह जो रिक्वायरमेंट आई है वो जेसीबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से रिक्वायरमेंट निकाली गई है। तो जो भी अभ्यर्थी जेसीबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए मौका आ चुकी है। तो सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे से कैसे आप जेसीबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब कर पाएंगे, किस तरह से वैकेंसी निकाली गई है, क्या करना होगा, सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यह जो जेसीबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो आ रही है कैंपस करने के लिए। वह जो कैंपस करने के लिए आ रही है वो कहाँ पर आ रही है, तो गवर्नमेंट आईटीआई नालागढ़ हिमाचल प्रदेश में 18 नवंबर 2022 को दिन शुक्रवार को आ रही है कैंपस करने के लिए। इस कैंपस में जेसीबी टेक्निकल ट्रेनिंग बेसिस पर जॉब देगी, यानी टेक्निकल ट्रेनिंग बेसिस पर वैकेंसी निकाली है, जिसमें आईटीआई पास अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा, जिसका भी ट्रेड फीटर, बेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अभ्यर्थी को मौका दी जाएगी। एक बात और बता दूं, यह जो रिक्वायरमेंट है वो फिक्स टर्म यानी एक साल के ड्यूरेशन के लिए आपको जॉब दी जाएगी। जिनके भी जो भी अगर जैसे भी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करना चाहते हैं एक साल के लिए, तो उनके लिए मौका है, ठीक है। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखेंगे, वही अभ्यर्थी इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं जो गवर्नमेंट आईटीआई से पास आउट है, यानी केवल सरकारी कॉलेज यानी सरकारी का जो आईटीआई कॉलेज होती है वो कॉलेज से अगर आप आईटीआई कंप्लीट किए हो तो आपको मौका दी जाएगी। पासिंग ईयर यहाँ पर देख सकते हैं 2018 से लेकर 2021 तक यहाँ पर मांगी गई है। कैंडिडेट को यहाँ पर एक और चीज़ मांगी गई है, कैंडिडेट का क्या होना चाहिए, तो 6 महीने का आपको एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। ये नहीं सब आपको हम जैसे भी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होनी चाहिए, कोई इससे रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री हो, जैसे ऑटोमोबाइल या इंडस्ट्री हुई, इसी तरह से कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर 6 महीने का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा कन्फर्मेंस आपको जैसे भी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब मिल जाएगी। इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई आपका नो बैक पेपर होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। आईटीआई में यानी 10वीं में आपके जो मार्क्स होना चाहिए वो कम से कम 50% होना चाहिए, आईटीआई में 60% होना चाहिए, और आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 साल से लेकर 24 साल के बीच में होनी चाहिए। और सैलरी की बात करते हैं यहाँ, तो जैसे भी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो आपको सैलरी पैकेज दी जाएगी वो 19,780 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। पीएफ, ईएसआई, जो भी कंपनी के पॉलिसी होती है, कंपनी के पॉलिसी के अनुसार जो भी आपके काटे जाएंगे, तो सारे चीज़ काट कर आपको 14,362 रुपये इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी 8 घंटे ड्यूटी का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कंपनी में यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या सुविधा मिलती है। सेपरेट आपको जो काटी जाएगी वो कैंटीन की सुविधा मिलती है, इसके लिए आपको चार्ज काटी जाएगी। ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा मिलती है, इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कैंटीन कितने चार्ज काटेगी, तो महीना में आपको 500 रुपये कैंटीन का चार्ज काटा जाएगा। बस की सुविधा यानी ट्रांसपोर्ट के लिए 850 रुपये की सुविधा काटी जाएगी। इसके अलावा पीएफ कटेगा, ईएसआई कटेगा, और जो भी ऑर्डर जो चार्ज होती है कंपनी का पॉलिसी के अनुसार वो आपके डिडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो केवल सरकारी से आईटीआई कंप्लीट किए हैं वही अभ्यर्थी जैसे भी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है उनको क्या करना है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया अपने वेबसाइट का, तो वहाँ से जाकर आपको रजिस्ट्रेशन लिंक पर यहाँ पर क्लिक करके आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और डेट याद रखें, 18 नवंबर 2022 को गवर्नमेंट आईटीआई नालागढ़ हिमाचल प्रदेश में होने वाली है कैंपस जेसीबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। यह जो कंपनी है जयपुर राजस्थानी कंपनी है। विशेष जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं, जय